अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी वो है क्रिस्पी हनी चिकन चिली बाइट्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। चिकन लिया था मैंने 600 ग्राम, जो कि मैंने लंबाई में काट लिया है, बोनलेस चिकन था मेरे पास। और एग है मेरे पास 2 अदद। टोमेटो प्यूरी जो है वो है मेरे पास 5 टेबल स्पून, जो कि होम मेड है। और मेरे पास हैं तिल हसबे ज़रूरत, नमक है ये 1 टीस्पून, लहसुन है मेरे पास चॉप किया हुआ, और सब्ज़ मिर्च है मेरे पास 3 से 4 अदद गार्निश के लिए, और दड़ा मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून, लेमन है मेरे पास 1 टीस्पून, मैदा लिया था मैंने 4 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, और ये है दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें जाएंगी चिकन के अंदर, और बाकी मिक्सचर जो है वो बाद में इस्तेमाल होगा। हनी जाएगा 2 टेबल स्पून, सॉस जाएगी 3 टेबल स्पून, और चिली सॉस जाएगी 3 टेबल स्पून। 2 eggs एक बाउल में हमने डाल लिए। फोर्क की मदद से थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने डालना है कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक, लाल मिर्च और काला मिर्च, ये चीज़ें सिर्फ इसके अंदर जाएंगी। तो मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। मिक्स हो चुका है, अब ऐड कर देते हैं इसमें चिकन। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब हम इसे करेंगे फ्राई। तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, जो कि नॉर्मल हीट पर है, और अब एक एक करके हम डालेंगे। ऐसे करके आप डालते जाएं। इसी तरीके से हम सारे डाल लेंगे। तो इस पॉइंट पे मैं आपको टिप ये दूंगी कि अगर आपका कभी कुछ खाने का मूड हो तो आप सेम इसी मेथड से ये चिकन फ्राई कर लें और किसी भी सॉस के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। तो तकरीबन ये कुक हो चुके हैं, मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी भी कर लूँगी फ्राई। इसी तरीके से हम ये भी सब डाल के फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। सारे सॉस के लिए उसी बर्तन में हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, उसी के साथ डालेंगे लहसुन। इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे जब तक खुशबू आ जाए तब तक। इसी पॉइंट पे डाल देंगे हम टोमेटो प्यूरी, इसी के साथ नमक, दाड़ा मिर्च। अब 3 टेबल स्पून डालेंगे हम चिली सॉस। थ्री टेबल स्पून सोया सॉस। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं डालूंगी इसके अंदर शहद। टेबलस्पून हमने शहद ऐड कर दिया है, और अब इसके साथ जाएगा 1 कप पानी। और एक बात आप पे डिपेंड करती है कि कुछ लोग स्पाइसी ज़्यादा लेते हैं और कुछ लोग कम लेते हैं, तो अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। और इसे हम 5 मिनट के लिए ना बिल्कुल नॉर्मल हीट पे कवर करके रख देंगे। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। अब इसमें डाल देते हैं लेमन। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं। अब हीट हमने बढ़ा दी है, इसे हम मिक्स करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे तकरीबन इसे सेट होने में।
ये हमने तब तक करना है जब तक जो मसाला है ये चिकन के साथ अच्छी तरह अटैच ना हो जाए। अब हम बंद कर लेते हैं, तैयार हो चुके हैं और जैसा कि मसाला अच्छी तरह अटैच हो चुका है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और kindly जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियो देखने के लिए साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़।